बैठ जाइए आप सभी लोग, सभी लोग बैठ जाइए और माँ के दरबार में सभी माँ के बच्चे ही हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का ये पहला गीत मेरी ओर से, आज के जो सहयोगी कलाकार हैं, सहयोगी आदरणीय अजय विजय जी, ये पहला गीत आपके लिए मेरी तरफ से है। बिल्कुल। और चूंकि माँ का दरबार है तो पहला गीत माँ से ही संबंधित गा रही हूँ। क्या बात है बेटा, वाह। एक गीत आया कौन सा और कहा फिल्मी दुनिया वालों ने, क्या कहा फिल्मी दुनिया वालों ने, और गाया है फिल्मी दुनिया वालों ने, क्या के जिस्म से जान तक अजय विजय जी, ये लो बेटे ये लो। और ये एक से एक मुद्राएं हमारे राजू चाचा की तरफ से हमारे अभय के लिए आए हैं। ये लो बेटे, तुम्हारे पिता के पिता की तरफ से आया। बहुत बहुत धन्यवाद है। वाह। तो माँ के ही चरणों में ये गीत मैं प्रस्तुत कर रही हूँ और माता रानी के तमाम रूप मैं अपने गीत में दर्शा रही हूँ। जैसे जैसे तो कभी रक्तांबरी क्या बात, तालियां तो बजा दीजिए। और ये माता रानी की प्यारी सी चुनर, एक सुंदर सा पुष्पहार, एक से एक पत्र मुद्राएं, ये हालांकि समिति की ओर से है लेकिन
ये सेजल बिटिया के सौजन्य से ये प्रदत्त हो रहा है। मैं हृदय से माता रानी से आप सभी के सुखी जीवन की कामना करती हूँ। भगवती सदैव आपके अंग संग रहे, आपकी रक्षा की बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। धन्यवाद है। हेलो भैया, कोरस भाई बढ़ाओ ना, मर जाएंगे हम लोग। हेलो थोड़ा बढ़ा दीजिए। हेलो 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 हेलो, ठीक इतना रखिए बस। आप लग रहे हो क्या बात। तो माता रानी ने तमाम रूप धारण किए हैं और आखिर मेरे गीत में है क्या, सुनिए। आदरणीय अजय विजय जी सुने आप। कभी रक्तांबरी तो कभी श्वेतांबरी और कभी नीलांबरी बन गई ओ माही पी। और ये समिति की ओर से मंडल के सभी सदस्यों के लिए माँ की चूनर और साथ में 51-51 मुद्राओं का आशीर्वाद जय हो हो रहा है। मैं चाहती हूँ एक बार समिति के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात। माता रानी सदैव आपकी रक्षा करें, जय हो, आपके भंडार भरती रहे, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं कह रही हूँ कभी रक्तांबरी यानी कभी लाल रंग की बन गई, कभी पीतांबरी कभी पीले रंग की बन गई, कभी नीले रंग की बन गई और कभी श्वेत रंग की बन गई। जय हो। अब क्यों बन गई, क्यों जरा सुने आप। सुनिए। तो कभी रक्तांबरी और कभी जिसका नाम है दुर्गम। दुर्गम, सुनिए। दुर्गम नाम के दैत्य ने एक बार धरती से चारों वेदों की चोरी कर ली। चारों वेद ले जाकर के उसने पाताल में छुपा दिए और जब पाताल में छुपा दिए तो धरती से वेदों की चोरी हो गई तो धरती पर अकाल पड़ने लगा, पानी नहीं बरस रहा था। बिना पानी के सारे जीव जंतु पशु पक्षी सब अकुलाने लगे और सारे देवी देवता भी परेशान हो गए। अगर ऐसा ही होता रहा तो सारी सृष्टि का ही विनाश हो जाएगा। सब लोग पहुंच गए माँ के पास तो देखे माँ ने किया क्या। क्या किया? किया दुर्गम ने वेदों का जब आहरण। Hey!
जीव जंतुओं का हो गया था कठिन सबका पोषण भरण और दुख से मुरझा गए सबके अंतःकरण। तो एक माता है कौन सी जिनका नाम है शताक्षी माता, जिनके सारे शरीर में नेत्र ही नेत्र बने हुए हैं। माता ने अपने भक्तों के कष्टों को देखा तो शताक्षी माता 9 दिन 9 रातों तक बराबर रोती रही और कहते जब 9 दिन 9 रातों तक रोई तभी से ये नवरात्रि का पर्व भी मनाया जाने लगा। जय हो, जय हो। माँ 9 दिन 9 रात तक रोई और उन्हीं सारे आंखों से जब आंसू गिरे तो धरती पर हरियाली आई, साग सब्जी पैदा हुई, तो माता शताक्षी का नाम पड़ गया शाकंभरी माता। समझते रहिए, सुनते जाइएगा। तो हुआ क्या? हुआ हो गया था कठिन सबका पोषण भरण, दुख से मुरझा गए सबके अंतःकरण। तो माता ने क्या किया? क्या किया? सौ सौ नेत्रों से रोई माँ शताक्षी वही, तो माता हरिताम्बरी बन गई। हरिताम्बरी यानी माता हरे रंग की बन गई। और नाम क्या पड़ गया? क्या? के माता हरिताम्बरी बन गई। ओ जहां के तहां उसको पहुंचा दिया, सर्वनाश कर दिया माता ने। एक दैत्य और आया और उस दैत्य का नाम है अरुण। अरुण, अब देखिए अरुण नाम के दैत्य ने क्या किया? क्या बेटा क्या? अरुण दैत्य ने बड़ी घनघोर ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू कर दी और ऐसी तपस्या की उसने कैसी कि ब्रह्मा जी को प्रकट होके आना पड़ा। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा कहो दैत्यराज क्या चाहिए? बोलिए। तो देखिए वो मांगता क्या है? क्या? जब अरुण दैत्य ने कल्लू ठेकेदार, बहुत धीरा लोग बोलते हैं। आपकी ओर से पुनः ये 20 मुद्राओं का आशीर्वाद है, मेरी ओर से धन्यवाद है आपको। जय माता रानी, कल्याण करें आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक माइक हो तो रख दीजिए, मतलब पुरस्कार देने वो आ रहे हैं, नाम और कोई बताएगा। तपस्या से प्रसन्न है तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले अरे अरे जो इस धरती पर आता है उसका जाना स्वाभाविक है, यानी मृत्यु निश्चित है,
इसलिए मैं तुमको अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकता हूँ। तुम चाहो तो कोई और वरदान मांग सकते हो। तो देखिए उस दैत्य ने चतुराई दिखाते हुए मांगा क्या, क्या? ब्रह्मा जी कहने लगे क्या? विधि ये बोले अमरता ना मिले दैत्यवर। तो कहने लगा अच्छा ठीक है, क्या अगर अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो ऐसा वरदान दीजिए। ऐसा तो फिर पर ऐसा दीजिए नर मारे ना जानवर। मुझे ना तो नर मार पाए और ना जानवर मार पाए, यानी ना मुझे दो पैर वाला मार पाए और ना चार पैर वाला मार पाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु जाओ ऐसा ही होगा। अब वो सोचने लगा मैं तो अमर हो गया, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता है, और अत्याचार मचाना शुरू कर दिया। तो देखिए माता ने एक नया रूप धारण किया। कौन सा? कैसा? कैसा के पांव छह छह लिए, ना तो दो और ना चार, पांव छह छह लिए छह पदी रूप में माता श्यामांबरी बन गई। ओ, माता ही भ्रामरी बन गई। भ्रामरी यानी माता भावरे के रूप में आई। और श्रीमान जी भावरे के छह पांव होते हैं, इसलिए कहा माता श्यामांबरी बन गई। ओ, लाल रंग, नीला रंग, सफेद रंग, पीला रंग, हरा रंग, श्याम रंग, काला रंग, इन रंगों के अलावा तमाम रंग मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। ये देखो इंसानियत, वो आपके लिए छोड़ रखे हैं मैंने। ओका तो कह रही हूँ क्या के माता श्यामांबरी बन गई। ओ, 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 ओ माता ही बिल्कुल 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 आइएगा। जवाबी की ओर चलते हैं, जवाबी की ओर ले लो। राखी जी बोलते बहुत बेहतरीन गीत आया है। आया आया रुक जाओ। और ये 251 रुपए का बहुमूल इसने अपने आशीर्वाद एक पुष्पहार और एक शॉल भेंट किया है। ये लगा दी कमेटी के द्वारा सभी के पास है। तो कमेटी के समस्त पदाधिकारियों को हृदय से प्रणाम है। ये 251 मुद्राएं हैं, एक शॉल है, और सभी कलाकारों के लिए 51 रुपए का बहुमूल आशीर्वाद है। हृदय से प्रणाम है कमेटी के समस्त पदाधिकारियों को। हेलो 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 हेलो, इस साथ में सीटी चल रही, इसको देख लीजिए दोनों। हेलो हेलो हेलो, आइएगा देखते रहिएगा। पहला राउंड है, धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। साउंड आपका बहुत बढ़िया है, धुन बजी है। कौन सी? कौन सी बता रहे हैं? हाँ बताओ, अब तबीयत ठीक नहीं है लोगों की। तुम लोगों की सुनने के लिए बेताब है लोग, तुम्हारी ठीक करेंगे अभी हम लोग। आ
बताओगे तो क्या होगा गुरु? बस मोहब्बत दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल, बस एक, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। अरे जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है। अरे ऐ मेरी बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। क्या कहना गुरु, बहुत अच्छे आप में दादा हरि कृष्ण के संस्कार दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या कह रही है कि जिस्म से रूह माता हरी नहीं हो गई ना। जब माता शाकंभरी बन गई तो साग सब्जियां उगने लगी पृथ्वी पर, तो माता हरी नहीं हो गई ना, ये धरती हरी भरी हो गई। तो आपने माता को बता दिया कि हरतांबरी वो हरी हो गई, वो हरी नहीं हो गई, ये धरती हरी हो गई। लेकिन ठीक है, पहला राउंड है और का कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होगी तो दूसरे राउंड में सही बात। फिर आपने दिखाया कि माता श्यामांबरी बन गई और माता ही भ्रामरी बन गई। राखी जी, श्याम रंग में और काले रंग में अंतर होता है। होता है गुरु, होता है। और आपने कहा कि श्यामांबरी बन गई मतलब श्याम रंग हो गया, और आपने कहा भ्रामर माता भ्रामरी बन गई, तो भ्रामर जो भ्रमर होते उनका रंग होता है बिल्कुल काला, और
काले रंग में और सांवले रंग में बहुत अंतर है। सही बात है, अंतर है। चलिएगा क्योंकि आपका गीत है, अच्छी बात है। अब वो ना कहिएगा आपकी, वो कहते हैं यशोमत मैया से बोले नंद लाला राधा की अंगूरियों में क्यों खा, ये ना बताइएगा क्योंकि लोग कन्हैया को तो प्यार से कहते थे काला है, तू काला एक बांसुरी वाला। सुनिएगा, हेलो हेलो, बेस को कम मत करिए। हेलो कल्लू ठेकेदार की मम्मी समन्या लेख रानी जी, वाह आपके कर कमलों से ये गीत मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ आपको, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। सुनिएगा, सुनिए आप लोग ध्यान से सुनिए गीत को, क्योंकि अगर कल्लू भैया ठेकेदार हैं, आप उनकी माँ हैं, तो आप तो ठेकेदारनी है। सुनिएगा, आइए जवाब सुनिएगा, जवाब सुनिए आप लोग। आपने बताया कभी रक्तांबरी कभी श्वेतांबरी कभी नीलांबरी बन गई, माही पीतांबरी बन गई। अरे माँ इतना ही कुछ नहीं बन गई, माता कुछ और बन गई, कुछ और बन गई। क्या बन गई सुनिएगा, क्या बन गई, क्या कहना बेटा लल्लू राम, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। नागेश्वरी क्यों बन गई, माता राजेश्वरी क्यों बन गई, और माता मुक्तेश्वरी क्यों बन गई, क्यों बन गई? सुनिए, क्योंकि जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया, देवता भागे जान बचा के, तो सभी देवताओं ने अपना अपना तेज एकत्रित किया, तो उस तेज के द्वारा एक विलक्षण ज्वाला प्रकट हो गई, और उस ज्वाला ने देवी का रूप धारण कर लिया। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग, सुनिए ध्यान से, जवाब सुनिए आप लोग। Ha!
माताई सुम्भ निसुम्भ सासुर जैसे दुष्टों का माता ने खात्मा कर दिया, उनको ऊपर पहुंचा दिया, जिनसे लोग थर थर कांपने लगे सारे दुष्टों का भूसे दमन कर दिया तो भी सारे सुख से रहे यतन कर दिया तब तब कि सारे दुष्टों का भूसे दमन कर दिया अनिल कंठेश्वरी बन गई। बहुत बढ़िया माता। हाँ आइएगा माता ने दो दैत्यों का और वध किया। नाम था चंडमुंड। चंडमुंड जब माता उनको मारने चली तो किया। ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिए आप लोग। कतन से चंडिका से हुई रक्त बीज के लिए हुई जान दोस्तों की मां दाहरण कर दिया बिघने सही बन गई। मैं बनाश कर दिया। इतने परेशान थे सब सुखी हो गए। जान ये रहा
राखी जी के बहुत ही मजबूत गीत का बहुत छोटा सा प्रयास। हाँ।